बाद सीधे वृंदावन की ओर ग्रैंड ऑटो अपने होटल और मैं अपने खिड़की के बाहर आपको दिखाता हूँ कुछ शानदार धार्मिक नज़ारा। और फिर यहाँ से कुछ मैं फ्रेश होकर निकलेंगे मंदिरों के दर्शन के लिए। तो देखिए ये आप वृंदावन में जहाँ भी ऐसा कुछ खिड़की के बाहर देखेंगे तो आपको सिर्फ धार्मिक बिल्डिंग जैसे ही सब चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पे, और सारे चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण का माहौल। चलिए तो मैं तुरंत फ्रेश होकर निकलता हूँ और आपको भी लेकर चलता हूँ। पहले तो मैं जाऊँगा इस्कॉन टेम्पल, उसके बाद एक यहाँ पे मंदिर है जिसका नाम है प्रेम मंदिर। तो सबसे पहले इस्कॉन टेम्पल का दर्शन करेंगे, उसके बाद चलेंगे प्रेम मंदिर की ओर। और वृंदावन में के सड़कों पर चलने से पहले एक सोशल वार्निंग कि यहाँ के सड़कों पर चश्मा पहन कर ना चले, बंदर चुरा लेते हैं। तो फिलहाल मैं एंटर कर गया हूँ इस्कॉन टेम्पल में, जो कि वृंदावन के ठीक बीचों बीच स्थित है। चलिए मैं आपको कुछ यहाँ के झलक दिखाता हूँ।
ये गोवर्धन पर्वत है। कभी शाम को जाओ ना, ये मथुरा ये खाई जा सके। दिन में बहुत अच्छा लगता है, अभी क्योंकि रात को बहुत सही लगता है। चलेंगे उधर से? हाँ, ऊपर चलेंगे अभी। हाँ तो कितना बजे है? सवा सात। हाँ बहुत पता नहीं, मथुरा जाके लाना पड़े। नहीं मदिरा। यात्रा हमारी सफल हुई, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण मेरा जूता चोरी हो गया और देखते हैं अब इसके रिगार्डिंग क्या किया जा सकता है। हजारों की भीड़ में जूता चोरी होने तो खैर भारत में आम बात है। चलिए देखते हैं क्या किया जा सकता है। कुछ पुलिस वाले हैं गेट के पास, उनसे बात करेंगे।